सो ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिली पटैटो। के लिए मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं। मैं इसको पहले छील लूँगी और इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसे एक बार पानी से धो के और इसे मैं बॉईल करने के लिए डालूँगी। बॉईल करने के डालने के लिए मैं उसमें एक नमक डालूँगी चम्मच, और फिर देखिए यहाँ पे 10 मिनट में बॉईल हो जाएगा। और ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमें, हमें हल्का थोड़ा देख लेना है, बिल्कुल नॉर्मल बॉईल करना है। उसके बाद मैं इसे धो लूँगी और थोड़ा सूखने के लिए दे दूँगी। सूखने के बाद यहाँ पे इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच 2 बड़े चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और 2 चम्मच डालेंगे हम इसे मैदा। उसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च, और इसे मिक्स करेंगे हम हाथ से अच्छे तरीके से सारे को। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें वो पिज्ज़ा या पास्ता सॉस, आप या फिर शेजवान चटनी भी यूज कर सकते हैं आप, तो मैंने यूज कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम जितना भी हमारा जो फ्राइज था हम इसे मतलब बिल्कुल लाइट फ्राई कर लेंगे, हम इसको नॉर्मल फ्राई कर, देखिए यहाँ मैंने फ्राई कर लिया है। उसके बाद फिर से हम चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 मिर्च, लहसुन का पेस्ट यहाँ डालेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे काट कर प्याज और शिमला मिर्च, उसको हम डालेंगे यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को, और इसे फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर मैं डालूंगी इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच टमाटो सॉस, और 2 चम्मच यहाँ पर डालेंगे सेजवान चटनी। उसके बाद डालने के बाद एक और यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच हम लोग सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने का 10 बस 5 मिनट मिक्स कर इसको चलाना है, ज़्यादा इसको वो नहीं करना। उसके बाद जो हमने ये जो फ्रेंच फ्राइज हमने बनाए थे, फ्राई किए थे, उस फ्राई को फ्राई वाले इसमें डालेंगे, और 2 मिनट चला के हमारा यहाँ फ्राई रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में चिली पटेटो बना सकते हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी, घर पर जरूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।